महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेकडून मी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या संपूर्ण कार्यकर्त्याच्या वतीने एकनाथ शिंदे जी आणि देवेंद्र फडणवीस जी सरकारचं मी अभिनंदन करतो आणि आभारी मानतो की आज महाराष्ट्राच्या सर्व स्तरावरच्या सर्व विभागाला आणि सर्व स्तरावरच्या सर्व जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न या बजेटच्या माध्यमातून झाला। खरं तर आपण इतिहासाचा जर दाखला घेतला तर छत्रपती शिवरायाच्या काळामध्ये छत्रपती शिवरायाच्या राज्य कारभारातले काही दाखले जर आपण काढले तर 18 पगड जाती 12 बलुतेदार वर्गाला राज्य करताना ज्या पद्धतीने हा संपूर्ण महाराष्ट्र डोळ्यासमोर ठेवून राज्य कारभार व्हायचा त्यातले काही दाखले माननीय एकनाथजी आणि देवेंद्रजींच्या सरकारने घेतले आणि एक महाराष्ट्र हा 21व्या शतकातला महाराष्ट्र जो आहे हा कुठल्या दिशेने न्यावा, हा महाराष्ट्र देशात क्रमांक कसा एक येईल याकरता केलेला प्रयत्न आहे। आणि म्हणून बघा की आज हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी जे नेहमी त्यांच्या भाषणातनं त्यांच्या बोलण्यातनं जे विचार व्यक्त करायचे की महाराष्ट्र कसा असला पाहिजे, छत्रपती शिवरायांच्या राज्यकारभाराच्या आधारावर हा महाराष्ट्र पुढे नेला पाहिजे। तर आज एक मोठा ऐतिहासिक दिवस आहे, आज मोठा आणि ऐतिहासिक दिवस आहे की या महाराष्ट्राच्या सर्व स्तरावर आपण आता बघतो आहे विरोधकांना सुद्धा बोलती बंद करणारा आणि महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीला मदत करणारा हा अर्थसंकल्प आहे। खरं तर यामधनं शेतकरी हा जो वर्ग आहे शेतकरी वर्गाला खूप मोठ्या प्रमाणावर जवळपास या राज्याच्या एकूण बजेटच्या 40% बजेट शेतकऱ्यावर गेला आहे। या राज्याच्या एकूण बजेटचा जर विचार केला सिंचन जलयुक्त शिवार सिंचनाचे खूप मोठ्या प्रमाणावर योजना या ठिकाणी आल्यात आणि महाराष्ट्राचा GDP वाढेल अशा मोठ्या प्रमाणावर त्या योजना या ठिकाणी अर्थसंकल्पात आल्या। व्यक्तिगत स्वरूपाने संजय गांधी योजना असेल, कोतवालाचं मानधन असेल, विद्यापीठामध्ये शाळेमध्ये शिकवणाऱ्या विनाअनुदानित शिक्षकांचं पेमेंट असेल, अंगणवाड्यांचं महिलांचं मानधन असेल, आशा वर्करचं मानधन असेल, मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी या वर्गाला न्याय मिळाला। संजय गांधीमध्ये तर कधी इतकी भरीव मदत होईल, 1500 रुपये होतील। श्रावणबाळ आणि संजय गांधीचं अनुदान हे कधीच आपण बघितलं नव्हतं, पण आज एक मोठी भरीव त्या ठिकाणी घोषणा सभागृहात झाली आणि आज या राज्यातली संस्कृती विरासत आणि सांस्कृतिक कार्य धार्मिक कार्यामध्ये ज्या पद्धतीने आपला महाराष्ट्र आहे म्हणजे ज्या महाराष्ट्राला संताची भूमी आपण म्हणतो त्या सर्व भूमीला त्या सर्व श्रद्धास्थळाला त्या ठिकाणी त्याचा विकास करण्याकरता मोठी मदत त्या ठिकाणी मिळाली आणि एकंदरीतच इतिहास संस्कृती विरासत जपण्याचं काम या अर्थसंकल्पातलं झालं। मला वाटतं की महाराष्ट्राच्या आत्तापर्यंतच्या इतिहासामध्ये सर्वात उत्कृष्ट अर्थसंकल्प आपण याला म्हणू आणि या अर्थसंकल्पातनं याची फलश्रुती आहे ती फलश्रुती महाराष्ट्राच्या एकूण संपूर्ण समाजापर्यंत जाईल आणि या फलश्रुतीमधनं खरं तर ज्या महाराष्ट्रामध्ये वंचित वर्ग आहे अनेक वर्षापासून मोठे मोठे समाज त्या ठिकाणी महामंडळाची वाट बघायचे, अनेक महामंडळं रामोशी समाजासारखं समाज त्या ठिकाणी महामंडळ नव्हतं, त्यांचं महामंडळ झालं, धनगर समाजाला मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी मदत झाली, सर्वच 18 पगड जाती 12 बोलतेदार यांनाही या ठिकाणी या अर्थसंकल्पातनं मदत मिळाली आहे, महिलांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान या ठिकाणी मिळालं आहे, महिलांकरता मोठ्या प्रमाणावर योजना आल्या आहेत आणि या अर्थसंकल्पातनं खरं तर सर्वात महत्त्वाचं काय झालं तर शेतकऱ्यांना दिवसाने वीज मिळावी,
शेतकऱ्यांना दिवसाने वीज मिळण्याकरता मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजनेमधून एकूण 40 लाख शेतकऱ्यांपैकी 10 लाख शेतकरी या 3 वर्षांमध्ये त्याचं ऊर्जीकरण होणार आहे। म्हणजे कोळशाच्या विजेवर आता शेतकऱ्याला अवलंबून राहावं लागणार नाही, हरित ऊर्जा त्यांना मिळणार आहे आणि प्रत्येक वर्षी 1 लाख कृषी पंप मिळणार आहे। ऊर्जा विभागात सुद्धा मोठा त्या ठिकाणी फायदा आला, जलसंपदा विभागाचं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार आहे। खरं तर आज या बजेटच्या माध्यमातून विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, उर्वरित महाराष्ट्र, मुंबईपासून तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज जनतेच्या ज्या प्रतिक्रिया बघितल्या, आपण गावागावातल्या प्रतिक्रिया बघा, जनतेमधल्या सोशल मीडियाच्या प्रतिक्रिया बघा, संपूर्ण महाराष्ट्रातनं शिंदे फडणवीस सरकारचं त्या ठिकाणी अभिनंदन होते आहे आणि एकूणच महाराष्ट्राला नवी उभारी देणारा, या महाराष्ट्राला संपूर्ण विकासाकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे। मी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या जनतेमार्फत या अर्थसंकल्पाचं अभिनंदन, अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शिंदे फडणवीस सरकारचं अभिनंदन करतो। आज महाराष्ट्र के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार ने जो बजट दिया है, ये बजट हम देखते थे कि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी बार बार कहते थे कि कोई भी राज्य में ऐसी योजना होनी चाहिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य कारभार जैसा चल रहा था। वो समय कुछ ऐसे दाखले थे उस समय के, वो दाखले पर पूरे महाराष्ट्र को न्याय मिलता था। जो महाराष्ट्र की सारी जनजातियां है, सभी जनजातियों में विकास होना चाहिए। छत्रपति शिवराय जी के इतिहास में आपने देखा है, एग्रीकल्चर हो, इरिगेशन हो, सभी समाज के जातियों का न्याय हो, वो समय के कुछ दाखले। और सबसे बड़ी बात है, मैं फडणवीस जी का बहुत बहुत अभिनंदन इसलिए करूँगा, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया महाराष्ट्र को कि महाराष्ट्र की जनता को बजट कैसा चाहिए। तो 40,000 सूचनाएं आई थी बजट के लिए, उस सूचनाओं के माध्यम से उन्होंने इस बजट को फ्रेम करने का प्रयास किया। पहले फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, जिन्होंने 40,000 लोगों की सारी सूचनाओं को पढ़ा और वो सूचनाओं को पढ़कर उसमें से ज़्यादा जनता को न्याय देने का प्रयास किया। अगर अपन ने देखे तो आज पहली बार संजय गांधी जो 60 साल के 65 साल के ऊपर के जो हमारे जिनके घर में निराधार लोग हैं उनको 1,500 रुपये देना, महिलाओं के माध्यम से इस बजट के माध्यम से महिलाओं को 50% की सारी सहूलतें देना, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो आप देखेंगे पूरे बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर को गया है। आज जो प्रधानमंत्री PMAY जो योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, उसमें भी महाराष्ट्र सरकार ने 6,000 रुपये ऐड किए तो किसानों को 12,000 रुपये मिलेंगे। 40% के ऊपर आप देखिए कि कोई भी अभी अगर क्रॉप लोन के लिए और जो हमारा इंश्योरेंस है किसानों का, उसमें भी किसानों को कोई भी 1 रुपया केवल लगेगा, किसानों को कोई भी प्रीमियम नहीं लगने वाला है। ये कितनी बड़ी घोषणा है, ये कितना बड़ा काम है कि अभी कोई भी सभी किसानों का इंश्योरेंस होगा लेकिन 1 पैसा लगेगा नहीं, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। उसके बाद किसानों को जलयुक्त शिवार का जो पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, पिछली सरकार ने पॉलिटिकल जलयुक्त शिवार बंद कर दी थी, माननीय फडणवीस जी ने फिर एक बार छोटे छोटे गांव के लिए, छोटे छोटे गांव में वही इरिगेशन होना चाहिए इसलिए जलयुक्त शिवार फिर लाई है। जल संपादकता के माध्यम से गोसीकुंड से लेकर मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, सारे जितने भी छोटी छोटी योजना बनाकर जो बह के जाने वाला पानी है वो बह के जाने वाले पानी को डाइवर्ट करके फिर आपको पूरे महाराष्ट्र में जो स्केरसिटी है वो एरिया में वो लेकर जाने वाले हैं। जो बह के जाने वाला वाटर है उसको रोकना, रोककर वापस लाना और पूरे महाराष्ट्र को देना, ये बहुत बड़ा यानी कोई सोच सकता है जो फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे सोच सकते हैं।
ये बहुत बड़ा अचीवमेंट महाराष्ट्र के लिए है। तो एक तरफ एग्रीकल्चर, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरी तरफ जो जनजाति है उनका विकास, और चौथी तरफ हमारे जो श्रद्धा स्थल है महाराष्ट्र के सारे श्रद्धा स्थलों को, एक सभी श्रद्धा स्थलों को वहाँ का जाने वाले सारी सुविधा वहाँ मिलनी चाहिए, उसके लिए एक बड़ा प्रावधान किया गया। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा कि हमारा इतिहास, संस्कृति, विरासत जो महाराष्ट्र की है, छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को लेकर, छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को लेकर, सारे हमारे जो संतों ने महाराष्ट्र को बनाया, संतों की परंपरा महाराष्ट्र को मिली है, वो सारे श्रद्धा स्थलों का विकास करने की बात की गई। और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, किसानों के रास्तों का डेवलपमेंट, बिजली के सेक्टर में आप देखेंगे तो बिजली के सेक्टर में तो माननीय अपने अर्थमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले 3 साल में 10 लाख किसानों को हम दिन में बिजली देंगे। ये कोई सोच सकता है? अब तक क्यों नहीं सोचा गया? लेकिन 10 लाख किसानों को दिन में बिजली देने के लिए मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजना आ रही है, ये गेम चेंजर है। कोयले की बिजली जो 7 रुपये लैंडिंग उसका आता है, लैंडिंग कॉस्ट आती यूनिट, उसको आप 2 रुपये 20 पैसे में बनाएंगे और डायरेक्टली किसानों को देंगे। किसानों के खेत में ही 12 घंटे किसानों को बिजली मिलेगी, ये कोई सोचा नहीं था, लेकिन ये गेम चेंजर प्लान बनाया गया। यहाँ पर अपने महाराष्ट्र में हरित ऊर्जा को लेकर एक नया प्लान बनाया गया जो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये बहुत अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये बजट एक्चुअली जब पूरा इम्प्लीमेंट होगा तो महाराष्ट्र के सारे एरिया में, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में ये बजट का महाराष्ट्र नंबर एक पे जाएगा। जब आप 2 साल बाद देखेंगे इस बजट का परिणाम क्या है, तो 2 साल के बाद महाराष्ट्र ये देश में सबसे टॉप का स्टेट बनेगा। ये स्टेट सभी स्टेट से आगे जाएगा। ये बजट का अचीवमेंट रहने वाला है अगर आप 2 साल बाद देखेंगे तो। कोई भी बजट का उसी दिन कुछ उसका रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन 2 साल बाद इसका परिणाम मिलेगा तो महाराष्ट्र ये स्टेट बहुत आगे जाके जाते हुए रहेगा। मैं फडणवीस सरकार का, एकनाथ शिंदे सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ महाराष्ट्र की जनता की ओर से, 13 करोड़ जनता की ओर से, कि ये महाराष्ट्र को ऐतिहासिक दिन है। और ये बजट ने महाराष्ट्र को कभी सोचा नहीं था, ये केवल इसलिए हुआ कि जनता के मन से बजट बनाया गया, जनता की सारी सूचनाओं का अमल बजावनी इस बजट में की गई। जो प्लेटफॉर्म माननीय फडणवीस जी ने लोगों को दिया है, वो 40,000 सूचनाएँ जो आई है, उस सूचनाओं में से सही में क्या बजट में मिलना चाहिए जो जनता ने कहा, वो माननीय एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार ने किया। ये सरकार ऐसी सरकार है जो जनता का सुन के काम करती है। ये सरकार ऐसी सरकार नहीं है जो फेसबुक लाइव पे चलती है। ये सरकार जनता के लिए काम करने वाली सरकार है, ऐसा मुझे लगता है। सर, फडणवीसांनी सांगितलेले की जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा धमक आमच्यात आहे, येत्या 14 मार्च पासून राज्यातील 14 लाख जे सरकारी कर्मचारी जे आहेत ते बेमुदत संपावरती जाणार आहे, असं आहे की जुनी पेन्शन योजनेबद्दल माननीय देवेंद्रजींनी, एकनाथजींनी, शेवटी राज्याच्या वर किती भार येणार आहे याकरता एक बैठक पहिले व्हावी, त्या बैठकीतनं त्या जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये काही नवीन काही करता येईल का। शेवटी राज्य शासनावरही भार येणार नाही, खूप भार येणार नाही, आणि कर्मचाऱ्याचं समाधान होईल याकरता कर्मचाऱ्यासोबत बसून एक मधला मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, एक बैठकी लावण्याचा त्यांनी परवा सांगितला आहे। त्यामुळं बजेटचा हा काही भाग नाही आहे, त्यामुळं पुढच्या काळामध्ये त्या बैठकीत जे काही समोर येईल ते पुढच्या काळामध्ये त्यावर योग्य निर्णय होईल। जुनी पेन्शन योजना जी आहे ती लागू होते, आता पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुका झाल्या, त्याच्यात भाजपला कुठेतरी अपयश आले याच मुद्द्यावर? नाही, जरी आम्हाला त्या ठिकाणी अपयश आला आहे, जुन्या पेन्शन योजनेचा राग जरी मतदारांनी आमच्यावर काढला आहे, पण शेवटी राज्य चालवताना सरकारला काय काय गोष्टी कराव्या, काय काय गोष्टी करावं नाही करू करायला काय काय होईल याकरता ताळेबंद करावा लागतो। माननीय देवेंद्रजींनी सांगितलं की लवकरच मी याची बैठक घेतो आहे, आणि बैठक घेऊन काय मधला मार्ग काढता येईल, काय मधला मार्ग काढता येईल, कर्मचाऱ्याचं समाधान होईल आणि राज्यही चालेल याकरता त्यांनी सांगितलं आहे। तर मला वाटतं जी बैठक घेणार आहे त्या बैठकीतनं काही मार्ग निघेल। 14 मार्च नंतर हे सरकार पडणार आहे, त्याचमुळे सगळ्या ज्या घोषणा आहेत या सगळ्या अर्थसंकल्पामधनं करण्यात आलेल्या आहेत।
मी यापूर्वी सांगितलं की महाविकास आघाडीचे नेते हे असं का बोलतात, त्यांना असं वाटतंय की अर्थसंकल्पामुळं त्यांच्याकडले जे आमदार आहे, आज त्यांचे चेहरे बघितले सभागृहामध्ये, त्यांच्याकडले आमदाराचे चेहरे हे इतके खाली चालले होते की शिंदे फडणवीस सरकारकडे काही आमदार म्हणजे 164 चं बहुमत 184 होईल अशा भीतीने आधीच सांगून टाकलं की अशा निवडणुका होणार आहे, अशा निवडणुका होणार आहे, म्हणजे जे जाणार आहेत आमच्याकडे येणार आहेत ते येऊ नये याकरता अशा गोष्टी कराव्या लागतात, त्या कोणत्याही पक्ष करत असतो। पण आज बघा, विरोधी पक्षातल्या आमदाराचं मनोबल त्या ठिकाणी खचलेलं होतं, त्यांना वाटलं की आमच्या 2.5 वर्ष सरकारमध्ये कधी आमच्या वित्तमंत्र्यांनी असं बजेट दिलं नाही, एवढं चांगलं बजेट फडणवीसजींनी दिलं, मला वाटतं यातनं 20-25 तिकडले आमदार हे पुढे त्या ठिकाणी त्यांच्या मतदारसंघात त्यांचा पराभव दिसेल, आणि म्हणून त्या योजनेच्या माध्यमातून या बजेटच्या माध्यमातून आपले आमदार डिमॉरलाइज होऊ नये, ते कायम राहावे, कारण त्याचे चेहरे आज बघितले विरोधी पक्षाच्या आमदाराचे खूप पडलेले चेहरे होते, त्यांना वाटत होतं की असं जर बजेट आलं आणि हे जर इम्प्लिमेंट झालं तर आपण त्या ठिकाणी निवडणूक हरल्याशिवाय राहणार नाही, आणि म्हणून अजितदादांनी मला वाटते त्यामुळे बोलले असेल। उद्धव ठाकरे जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि गाजर का हलवा है किसी को मिलेगा नहीं, सिर्फ प्रसाद की तरह सब जगह बांटा जाएगा। देखिए, जिन्होंने 2.5 साल में कभी जनता के मन में जनता में नहीं गए, 2.5 साल कभी मंत्रालय में नहीं आए, 2.5 साल में कभी उन्होंने अपने खुद के पेन से लेकर कभी चलाया नहीं, सारे विधायकों के कागज जमा किए लेकिन कभी लिखा नहीं विधायक के कागज पे, जिनको महाराष्ट्र ही समझता नहीं है वो क्या बजट समझेंगे? उद्धव जी को महाराष्ट्र समझा है क्या? उद्धव जी ने कभी कोई चुनाव लड़ा है क्या महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में अगर काम करना है तो सारे क्षेत्र में जाना पड़ता है, सारे विभागों की आकलन करना पड़ता है, सारे विभागों का आकलन एकनाथ जी और देवेंद्र जी ने किया हुआ है। देवेंद्र जी 5 साल इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सारे गांव को उनको मालूम है, सारे रास्ते मालूम है, सारा इतिहास मालूम है, महाराष्ट्र की निर्मित से लेकर आज तक का पूरा इतिहास, संस्कृति, विरासत, इस सारे 18 पकड़ जाति 12 बलुतेदार की समस्याएँ क्या है, इस महाराष्ट्र की संस्कृति क्या है, उसको कैसा न्याय देना, संतों की भूमि को कैसा न्याय देना, इसकी सारी पढ़ाई देवेंद्र जी और एकनाथ जी ने करते हैं। उद्धव जी को कोई बात की पढ़ाई नहीं है, इसलिए वो हंसते रहेंगे या कुछ वो टिप्पणी करेंगे, उनको बोलने लायक कुछ नहीं है। अगर बोलने लायक होता तो बाहर के बाहर क्यों निकल जाते, आपके सामने क्यों नहीं आते, एक दो टिप्पणी करके बाहर चले गए, इससे कोई होता है क्या? अरे, बजट रखने के लिए जो धमक चाहिए वो देवेंद्र जी और एकनाथ जी में जो धमक है वो सरकार में नहीं थी, और ये दो नेता ऐसे इन नेताओं ने पूरे महाराष्ट्र को जा रहा है और 40,000 लोगों की सूचनाएं सुनी है, यही सबसे बड़ी बात है कि जनता को सुनना और उसके हिसाब से बजट बनाना। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे